तो दोस्तों, आज वीडियो में हम दो नहीं, एक नहीं, तीन नहीं, आपको चार ऐसी सेटिंग बताने वाले हैं। तो यदि आप स्मार्टफोन यूजर हैं तो आप इन सेटिंग को ऑन ऑफ करना बहुत ही कंपलसरी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके साथ एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। समझदार कोई सारी काफ़ी दोस्तों। चलिए बिना किसी वक्तौदी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, नंबर वन सेटिंग यहाँ पर हमारी है सिम कार्ड लॉक। दोस्तों आपको क्या करना है, सिम कार्ड लॉक करने से क्या होता है, आपको सबसे पहले अपनी सेटिंग में जाना है। एंड सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च बार में यहाँ पर सिंपली सर्च करना है आपको सिम कार्ड लॉक। जैसे ही आप यहाँ पर सिम कार्ड लॉक सर्च करेंगे एंड वहाँ पर एक लॉक सिम कार्ड का एक ऑप्शन आ जाएगा आपके फ़ोन में, जैसा भी है वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने सिम कार्ड को लॉक करना है। इसको इनेबल करके आप जो पिन डालेंगे, आप पिन डालने के बाद आपका जो पिन ऐसा डालना आप कि आपका जो सिम कार्ड पिन लॉक है वो आपको हमेशा याद रहे। तो इससे क्या होता है, यदि आप सिम कार्ड अपना लॉक कर देते हैं एंड उसके बाद आपको क्या होता है, कोई भी यदि आपका फ़ोन यहाँ पर खो जाता है या गुम हो जाता है तो यदि किसी व्यक्ति को आपका जो सिम कार्ड मिल जाता है वो आपको सिम कार्ड का एक मिसयूज नहीं कर पाएगा। अपने फ़ोन में वो सिम कार्ड डालकर ऐसा नहीं कर पाएगा कि आपके जो मतलब बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक होता है उससे OTP वगैरह नहीं ले पाएगा, क्योंकि जो अपने फ़ोन में जब वो सिम डालेगा तो वहाँ पर एक लॉक मांगेगा सिम कार्ड लॉक और वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। दोस्तों यहाँ से अपना बहुत सिक्योरिटी मिलता है। एंड नंबर टू सेटिंग बहुत ही ज़रूरी है, मैं आपको बता दूँ दोस्तों। नंबर टू सेटिंग है, आपको क्या करना है, अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है एंड वहाँ पर आपको सर्च करना है फाइंड माई डिवाइस। फाइंड माई डिवाइस सिंपली यहाँ पर आप सर्च करेंगे एंड सिंपली सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर फाइंड माई ऊपर यहाँ पर लिखा आ जाएगा एंड उसका आप नीचे जाना है। यहाँ पर दिखा रहा है फाइंड माई डिवाइस, यहाँ पर आपको लिखा आ रहा है, तो यहाँ पर ये ऑफ है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से ऑन कर लेना है दोस्तों। इससे क्या होगा, यदि आपका फ़ोन कभी यहाँ पर आपका महंगा फ़ोन हो सकता है, आपका आईफोन हो सकता है या फिर कोई 1,20,000 का फ़ोन हो सकता है, यदि आपका फ़ोन खो जाता है एंड फ़ोन को खोने के बाद आपका जो यहाँ पर क्या होगा, इससे लोकेशन ट्रेस हो जाएगी और आपका आपके जो फ़ोन को मिलने की काफ़ी संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। यहाँ से आपको फाइंड माई डिवाइस यहाँ पर ऑन कर लेना है। एंड दोस्तों नंबर थ्री सेटिंग की बात करने वाले हैं दोस्तों, आपको मैं बता दूँ दोस्तों, नंबर थ्री सेटिंग बहुत ही कंपलसरी है दोस्तों। आपको क्या करना है, अपनी सेटिंग में जाना है एंड सेटिंग में सॉरी यहाँ पर आपको सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर एक लिखा आएगा अकाउंट एंड सिंक। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर गूगल पर यहाँ पर टैप करना है। एंड गूगल पर टैप करने के बाद आपको आपकी मतलब जो भी जितनी भी जीमेल आईडी आपके फ़ोन में है एंड उस पर आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आप जिस भी मतलब आप चाहते हैं कि ये मतलब जैसे मेरे में कैलेंडर सिंक ऑफ है और अकाउंट सिंक ऑन है, मतलब मैंने आपके फ़ोन में जितने भी आवश्यकता है, जैसे आप अपने जीमेल को कॉन्टैक्ट सिंक करने की परमिशन दे रहे हैं या फिर कैलेंडर जीमेल, मतलब आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट और जीमेल दो ही चीज़ों को यहाँ पर सिंक ऑन रखना है, बाकी सारी सिंक को यहाँ से ऑफ कर देना है। उससे क्या होता है कि हमारा जो जीमेल अकाउंट है, मतलब ये सभी कैलेंडर वगैरह सबको सिंक करता रहता है और इससे हमारे फ़ोन मतलब हमको खतरा बना रहता है दोस्तों। और यहाँ से आपकी बैटरी भी कंज्यूम नहीं होती और आपका फ़ोन अच्छा चलने लगता है। एंड दोस्तों हम लास्ट यानी फोर्थ यानी चौथी सेटिंग के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है, मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। वो सेटिंग है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए दोस्तों। ऐसी इंफॉर्मेटिव एकदम जनरल जानकारी मैं आपको यहाँ पर लाता रहता हूँ दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आपका कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।